का बिनौड़ा, इसकी काटनी है मैंने टहनी। इतनी मेहनत करने में लग रखे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हो आप लोग? तो सुबह के बजे हैं 7 और मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है। तो मैं आई हूँ अभी अभी अपने गौशाले की छत में। तो यहाँ दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। तो दोस्तों, यह है मेरे गौशाले की छत। ये बंदरों ने जो है इसमें कूद मार मार के यहाँ का पानी नीचे टपकने लग गया है। तो हम इसमें डाल रहे हैं अभी पन्नी। और यहीं पे है मेरे लीची के पेड़। तो दोस्तों, मेरे पीछे है यहाँ पे गौशाले के छत में तिमिल का पेड़। तिमिल पके हैं अभी, उमा ने तोड़ दिए हैं, मैं दिखाती हूँ। तो ये है तिमिल का पेड़। कौन कौन इसको पहचानता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तिमिल, तो ये लाई है उमा तिमिल पेड़ के अंदर से। ये और किस किस ने खाया है बचपन में तिमिल, कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस जिसने भी ये बचपन में खाया है कमेंट करके प्लीज ज़रूर बताना। मैं खा, इसका स्वाद इतना अच्छा था ना, मो जैसा शहद। तो दोस्तों, गौशाले में पूरा जो पिरूल है वो हमने डाल दिया है। ये पूरा पिरूल बिछा दिया है। तो दोस्तों, काम वाम तो हमने कर लिया था, उसके बाद आप करते हैं हम नाश्ता। तो आप भी करिए, हम भी करते हैं नाश्ता, उसके बाद करते हैं दूसरा काम। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, नाश्ता वास्ता मेरा हो गया है, उसके बाद आ गई हूँ मैं अभी बाड़े में। बाड़े में है मेरा थोड़ा काम। यहाँ बहुत ही पत्ते वत्ते हुए हैं, तो इनको साफ करना है और इनको जलाना भी है। तो ये जो कूड़ा कर जितना भी है ये। तो दोस्तों, दिन के 12 बज गए हैं और मैंने पूरी यहाँ सफाई कर दी है, दिखाती हूँ। तो मैंने पूरे बड़े को साफ कर दिया है पूरा। अब इसको खोदूंगी मैं कल। अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, 12 बज गए हैं और खाना बनाने का टाइम हो गया है दिन का। तो चलते हैं अंदर और बनाती हूँ मैं आज पुलुम की चटनी। पुलुम की चटनी कैसी होती है पहली बार बना रही हूँ, टेस्ट करके बताऊँगी आपको कैसी बनी है। और मुझे अच्छी लगी तो आप लोगों को बताऊँगी कि अच्छी। तो चलते हैं पुलुम की चटनी बनाने के लिए। कैसी होती है पुलुम की चटनी, अच्छी होगी तो आपसे शेयर करूँगी, आप भी बनाइएगा ज़रूर। लेकिन देखते हैं कैसी होती है। तो ये लिए है मैंने पुलम। तो दोस्तों, ये है जीरा, ये है मिर्च और ये है पुदी। तो आज इस चटनी को हम बिना लहसुन वाली चटनी बनाने वाले हैं, क्योंकि कल मेरे ससुर जी का जो है श्राद्ध है, तो हम इसको बिना लहसुन के बनाएंगे। कैसी होती है देखते हैं। ये धो के मैंने रख दिए हैं, तो बनाते हैं इसकी चटनी। तो सूर्य आया है हमारे घर, बना रहा है सब्जी। सब्जी में तो है भाई कलर। तो सब्जी बना रहा है जो मिर्च होती है खुशैनी। तो ये है हरी मिर्च जिसको हम खुशैनी बोलते हैं, उसके पत्ते हैं ये, इसको काट के। तो सब्जी बना रहा है सूर्य। कैसी सब्जी बनाता है देखते हैं। तो दोस्तों, दाल चावल और ये है मेरी पुलम की चटनी। ये खट्टी मीठी चटनी हो रही, बहुत स्वादिष्ट। उमा बताएगी कैसी हो रही है। यह चटनी चक्की बताएगी कैसी हो रही है। खट्टी खट्टी और टेस्टी, खट्टी खट्टी और टेस्टी। खट्टी खाने वो आ जाओ, इमली खट्टी खा लेती हूँ। उमा तो कह रही है खट्टी मीठी हो रही है चटनी। तो वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। काम कम सुनती है
ये गाना सुनाती है। अच्छा गाना सुनाओ तो। डांस तो कर देगा।